नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल गगनयान ज्ञान में। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक यहाँ बहुत ही अच्छा खुशखबरी और भर्ती निकल के आ रहा है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मार्केटिंग डिवीजन में एक बहुत ही अच्छा भर्ती निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर आपने 10वीं पास के बाद ITI कर रखी है तो आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, जो कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाले गए हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसलिए जो दसवीं के बाद जिसने ITI कर रखी है दोस्तों, वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल पे ITI से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सारी की जानकारी मैं इस चैनल पे देते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए जो भर्ती आया दोस्तों, वो टोटल जो है आप देख सकते हैं, चार स्टेट के लिए आया हुआ है दोस्तों। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए आप देखें तो टोटल पोस्ट 121 है, जिसमें UR के लिए 60 है, EWS के लिए 6, SC के लिए 22 और ST के लिए 1, और OBC के लिए जो है 32 है। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं सारे ट्रेड में। और फिर ये तमिलनाडु और पुदुचेरी रीजन का हो गया, उसके बाद फिर कर्नाटका रीजन में आप देख सकते हैं ट्रेड फिटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए कुल कितने पोस्ट हैं, टोटल 78 है, और UR के लिए जो है 36 है, EWS के लिए 4 है, और SC के लिए 12 है, ST के लिए 5 है, और OBC के लिए जो है 21 है। फिर तेलंगाना के लिए आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, वही आंध्र प्रदेश के लिए भी सारी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, कुल जो पोस्ट है वो कुल पोस्ट जो है दोस्तों, वो 248 है। कितना कुल पोस्ट? 248 है। क्वालिफिकेशन दोस्तों, मैट्रिक के बाद 10वीं के बाद ITI होना चाहिए, किसी भी मतलब 2 साल का होना चाहिए, 2 साल के ट्रेड में दोस्तों, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर से हो, उसमें 2 साल होना चाहिए मिनिमम। दो जो है दोस्तों, आप 2 साल वाला ट्रेड से ITI किए हो। वही एज की बात करूँ दोस्तों, तो मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। और इससे ज़्यादा आप जो है एज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स है और SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है, तो आप इस प्रकार से छूट ले सकते हैं इसमें। और आपके जो सिलेबस रहेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और बेसिक इंग्लिश एंड लैंग्वेज स्किल पूछा जाएगा। इसका जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 27 जनवरी तक है, तो बहुत ही कम समय बचा है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक यही छोटी सी अपडेट देना था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।